हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर मनी यूट्यूब चैनल पर। मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी ने दोस्तों अपना शटडाउन पीरियड जो है यहां पर एक्सटेंड कर दिया है, और ये चीज़ जो है उन्होंने एक्सचेंज को जो है नोट फाइल करके भी बताया। यहाँ पर देखिए, दिस इज इन्फॉर्म यू दैट द मेंटेनेंस शटडाउन which was till the 9th May 2021 is being extended till the 16th May 2021, keeping in view the current pandemic situation। जी हाँ दोस्तों, कंपनी जो है अपना जो अपना प्लांट यहाँ पर शटडाउन कर दिया है टिल जो है 16th May। इसका मतलब कंपनी यहाँ पर और ज़्यादा मैन्युफैक्चर करने वाला नहीं है जो है कार, इसमें वो अपना शटडाउन एक्टिविटी जो है इसमें कर सकता है। तो ऐसे में कंपनी दोस्तों खराब नहीं हुआ है, कंपनी में थोड़ी देर के लिए प्रेशर आ सकता है, कंपनी के शेयर में गिरावट इस न्यूज़ के चलते आ सकता है, बट कंपनी नंबर वन कंपनी है दोस्तों, अपने सेक्टर का एक नंबर कंपनी है। आप इसमें कोई दुख की बात नहीं है और पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर शेयर में कुछ प्रेशर आया तो शेयर प्राइस में। आइए कंपनी के ऊपर कुछ नज़र डालते हैं। यहाँ पर देखिए कंपनी दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ 1, 2, 3 से लेके ये 14 प्रकार की गाड़ियाँ यहाँ पर कंपनी बनाता है। देखिए यहाँ पर वैगन आर, स्विफ्ट, ऑल्टो, बलेनो, ये सब डिजायर, इको, ये सब कार कंपनी बनाता है। अगर हम देखेंगे तो 10 लोगों में से 5 लोगों के पास दोस्तों मारुति सुजुकी का कार रहता है। यहाँ पर अगर हम इसकी इनकी सेल्स को देखेंगे, यहाँ पर देखिए वैगन आर है जो है पहला नंबर पे आता है, जो अप्रैल में 18,656 नंबर ऑफ शेयर यहाँ जो है नंबर ऑफ कार जो है वैगन आर का बिक्री हुआ था। इसमें थोड़ा सा मंथ ऑन मंथ आपको यहाँ पर 101 कार का डिफरेंस आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा बिक्री हुआ था डिज़ायर कार का, यहाँ पर 23.8% की यहाँ पर उछाल दिख रहा है। तमाम देखिए ये लाखों का कार बेचता है दोस्तों, 1,35,879 पीसेस कंपनियां कार बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है, कंपनी में बहुत ही ज़बरदस्त पोटेंशियल है, आपको इसमें कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। आई कंपनी के नेक्स्ट कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर के ऊपर नज़र डालते हैं। यहां अगर हम देखेंगे दोस्तों कंपनी के कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर, यहां देखिए कंपनी के कंसोलिडेटेड अगर हम रेवेन्यू को यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए रेवेन्यू को देखेंगे पहले, कंपनी ईयर ऑन देखिए 18,207 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू कंपनी जनरेट किया है मार्च 20 में, और ईयर ऑन ईयर देखेंगे यहाँ पर देखिए 24,034 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू है। एक शानदार जंप आपको ईयर ऑन ईयर देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर कंपनी 1,167 करोड़, यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट की बात करें तो आपको एक छोटा सा यहाँ पर डीप देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं, ये देखिए कंपनी का जो है 56.37% की जो है होल्डिंग अभी प्रोमोटर के पास है एज ऑन मार्च 2021। कोई भी शेयर यहाँ पर प्लेस होते हुए आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम कंपनी की FII होल्डिंग देखेंगे, यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त होल्डिंग देखिए दोस्तों, 23.11% की होल्डिंग है, 23.09 तक बढ़ा दिया है जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अगर 2186, 2309, 2311 लगातार दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर इनका जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर चेंज हो रहा है फॉरेन इन्वेस्टर का। नेक्स्ट अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखेंगे, इनका है 15.08% यहाँ पर होल्ड करते हैं DII। और दूसरा बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है अदर जो है पब्लिक के पास रहता है। नेक्स्ट अगर कंपनी के हम बैलेंस शीट को देखेंगे, यहाँ पर देखिए कंपनी का पहले टोटल रिजर्व एंड सरप्लस देखते हैं। कंपनी के पास देखिए 51,215 करोड़ का यहाँ पर रिजर्व में सरप्लस है, और ईयर ऑन ईयर आपको देखिए ज़बरदस्त बढ़त यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट अगर कर्जा की बात करेंगे, देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कंपनी के पास क्या है, जीरो, कुछ भी कर्जा कंपनी के पास अभी नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स देखते हैं दोस्तों कंपनी का कितना है। अगर हम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को देखेंगे, देखिए शॉर्ट टर्म बोरिंग्स सिर्फ 488 करोड़ का यहाँ पर
शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स देखने के लिए मिलता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपनी कितना रखता है देखते हैं। यहाँ देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है कंपनी के पास। यहाँ पर नीचे चलेंगे देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3,336 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपनी अपने हाथ में रखता है दोस्तों। बैलेंस शीट वाइज देखेंगे तो थोड़ा सा कर्जा है शॉर्ट टर्म में, बट आपको एक 5 स्टार रेटेड वाली बैलेंस शीट आपको नजर आएगी मारुति सुजुकी इंडिया का दोस्तों। आइए अगर हम कंपनी के कुछ रिटर्न प्रोफाइल को देखते हैं, यहाँ पर देखिए कंपनी पिछले एक महीने में कंपनी जो है लगातार नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। एक साल की बात करेंगे 41% का रिटर्न है, 5 साल में दोस्तों 75.49% दिया है, और 10 साल की बात करेंगे देखिए यहाँ पर 428% का यहाँ पर मल्टी वेगर रिटर्न कंपनी जो है अपने इन्वेस्टर को बना के दिया है। टिकर टिप वेबसाइट क्या कहता है इसके बारे में ये देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए 59% इन्वेस्टर ये जो है एनालिस्ट जो है यहाँ पर बाय करने के लिए सजेस्ट किए हुए हैं, और इनका अगर प्राइस फोरकास्ट देखेंगे यहाँ पर देखिए 9,184 रुपीज तक ये कंपनी आगे आने वाले साल में जा सकता है दोस्तों। इनको 37% का अपसाइड दिखता है टिकर टेप वेबसाइट को। कुल मिला के देखेंगे तो कंपनी थोड़ी देर के लिए इस क्वार्टर में थोड़ा सा प्रेशर कंपनी को आ सकता है, उसके शेयर में गिरावट हो सकती है दोस्तों, मगर ओवरऑल देखेंगे फॉर द लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है अपने सेक्टर का। इसमें आप होल्ड करके और लंबे समय तक के लिए निवेश करके चल सकते हैं। बस आज के लिए इतना था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।